हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन दीक्षित फैमिली व्लॉग। तो लेके आ गई हूँ मैं आज का अपना नया व्लॉग। आज का व्लॉग मेले के ऊपर होने वाला है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये मेला कौन सा है, किस बारे में बात कर रही हूँ, तो इसके पहले का व्लॉग आप देखिए जाके, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो आइए आपको कराते हैं मेले की सैर। यहाँ देखिए, मैं और मिष्ठी हरे हरे कड़े और चूड़ियाँ देख रहे हैं। ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि लेडीज़ें अगर कोई कॉस्मेटिक, इयररिंग और कड़े चूड़ी देखती हैं तो वहाँ पे बिना रुके देखे मानती नहीं हैं। तो वही हम लोगों ने भी किया। अब मेला घूमते घूमते थोड़ी सी प्यास लगी तो मैंने और मिष्ठी ने सोचा क्यों ना गोला खाया जाए। गोला का तो आप लोगों को पता ही होगा, खट्टा काला गोला स्कूल टाइम में हर बच्चे ने खाया होगा और अभी भी जो बच्चे हैं वो खाते होंगे स्कूल से जब छुट्टी होती है, बाहर गोले वाले लगे होते हैं, ये तो सबका फेवरेट होता है। गोला खाने के बाद हम लोग आगे फिर मेला कंटिन्यू करेंगे। तो आइए मेरे साथ आनंद लीजिए खट्टे काले गोले का। गोला खाने के बाद हम लोगों ने मेले को कंटिन्यू किया। ये देखिए कप हैं कितनी सारी, कितनी डिफरेंट डिफरेंट कलर डिज़ाइन की हैं। कपें यहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं। ये हैं कांच के कुछ गिलास। देखिए लेना नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट घूमने का ही एक अपना मज़ा होता है। ये देखिए कितने बड़े बड़े से झूले लगे हुए हैं। पहले मैंने और मिष्ठी ने सोचा कि झूला जाए, फिर इसकी ऊंचाई ज़्यादा थी ना, इस वजह से डर लगा, हम लोगों ने झूलना कैंसिल कर दिया। ये देखिए मिष्ठी आप लोगों को हेलो करते हुए। चारों तरफ दुकानें खाने पीने के आइटम्स की, गिफ्ट आइटम, चूड़ी की, माले की, बलून की, हर चीज़ की लगी हुई थी, क्योंकि मेले का एक मतलब ही यही होता है जहाँ पे छोटी से बड़ी हर चीज़ मिल सके। ज़रूरी नहीं है कि आप मेले से कुछ खरीद कर ही घर को ले जाया जाए, बस आपके पास जब टाइम हो भगवान के दर्शन करने आइए। सावन पर्व का महीना चल रहा है, बुद्धेश्वर बाबा के दर्शन करिए, बगल में मेला लगा हुआ है, आइए मेले को घूमिए, देखिए, एंजॉय करिए और वापस घर चले जाइए। यहाँ पे हर एक छोटी से बड़ी चीज़ मिल जाएगी आपको देखने के लिए, खिलौने, इयररिंग्स, कॉस्मेटिक। अब तो राखी भी आने वाली है तो कुछ कुछ दुकानों पे राखियाँ भी लग गई थी। सो फ्रेंड्स, मेरा ये अगर मेले वाला व्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये देखिए यहाँ पर बच्चों के कितने अच्छे अच्छे हेयर बैंड, क्लिप्स, छोटी छोटी गर्ल्स के लगाने के लिए स्टेशनरी से रिलेटेड भी सामान मिला था, जिसमें कि मिष्ठी ने एक दो आइटम लिए हैं, उसने अपने व्लॉग में दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उस व्लॉग का विज़िट करिए। ये देखिए यहाँ पे रिंग्स हैं, ये रिंग्स लेडीज़ भी पहन सकती हैं, बच्चे भी पहन सकते हैं, सब आर्टिफिशियल हैं और कई वेराइटियाँ हैं। यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर कड़े लगे हुए हैं, देख के मन खुश हो जाता है। आइए आपको आगे का मेला दिखाते हैं। यहाँ पे पूजा से रिलेटेड सामान भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे दिया, सिंदूर, आरती, धूपबत्ती वगैरह, रुद्राक्ष की माला और भी अलग अलग आइटम, भगवान की फ्रेम फ़ोटो, ये सब आइटम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और काफ़ी सही रेट में मिल जाते हैं, क्योंकि ये थोक की दुकान होती है या आप कह लीजिए या मेला लगा हुआ है, तो बाकी दुकानों के कंपैरिजन में यहाँ सामान थोड़ा रीजनेबल रेट में मिलता है। तो मैं आपके साथ यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगी। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे आइटम होते हैं घर से रिलेटेड, घर के या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें कहीं नहीं मिलती बट अचानक से मेले में दिख जाती है, तो लगता है हाँ आए तो ये चीज़ मिल गई हमें। मैं ये कहूँगी कि मेले में सामान जो मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत VIP नहीं होती है बट यूज़फुल होती है, क्योंकि ऐसे ही इतनी बड़ी बड़ी दुकानें नहीं लगती और इतनी भीड़ नहीं होती है दुकानों पर कि आपको अगर चीज़ अच्छी नहीं मिले और दुकानें बराबर लगी रहें एक महीना, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे बर्तन हैं स्टील के, उसके बाद मिष्ठी वीडियो बना रही है
मिष्टी को मेले में घूमने से ज़्यादा वीडियो बनाने में मज़ा आया। ये पूरा व्लॉग मिष्टी ने ही शूट किया है। उसे मेला घूम को बहुत मज़ा आया। बोली, मम्मा हम फिर आएंगे, बट आप तो जानते हैं स्कूल कंटिन्यू है तो थोड़ा आना पॉसिबल ना होगा। सो फ्रेंड्स, आइए आपको मैं एक ऐसी शॉप पे लेके चलूं जहाँ पे हर सामान सिर्फ 7 रुपये में है। सुन के थोड़ा आश्चर्य होता, शॉक लगा कि हर आइटम 7 रुपीज़ का कैसे हो सकता है। आई डोंट नो ये लेना ठीक है कि नहीं। सामने पोस्टर लगा था तो मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा। वैसे ज़्यादातर दुकानों पे ऐसे टैग लगे हुए थे कि ये माल सिर्फ 10 रुपये में है, 7 रुपये में है, 20 रुपये में है, पता नहीं उनकी क्वालिटी कैसी है। अब ये देखिए, यहाँ पे बैग की शॉप है। मिष्टी ने ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट बैग की फ़ोटो ली है जो कि देखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब मिष्टी को भूख लगी, थोड़ी भूख मुझे भी लगी थी, तो हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। अब घर चलने की बारी है क्योंकि पूरा मेला हम लोग घूम के बहुत अच्छे से इंजॉय कर चुके हैं। मेले से हम लोगों ने क्या लिया उसका व्लॉग मिष्टी बना चुकी है, तो उसको प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।